नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 अगस्त 2023 है। आज हम बात करेंगे महंगाई के आंकड़े की। जुलाई में महंगाई का आंकड़ा जो आया है वो काफी ऊंचा है। एक साल पहले जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई 7.44% पर पहुंच गई है। इससे पहले जून में ये 4.87% थी और जुलाई में 7.44, यानी करीब 5% से बढ़कर एकदम 7.5% पर पहुंच गई है। और मई में ये आंकड़ा 4.31 था और अप्रैल में उससे भी कम था। तो अप्रैल और मई में ये कम हो रही थी, लेकिन जून और जुलाई में ये बढ़ रही है। अगस्त का आंकड़ा सितंबर में आएगा, सितंबर 12 से 14 तारीख के बीच में। तो महंगाई काफ़ी तेजी से बढ़ी है और ये रिजर्व बैंक का जो उच्च स्तर है कि कहाँ तक वो ठीक मानता है कि 6% तक भी पहुँच जाती ज़्यादा से ज़्यादा तो उसको काबू में किया जाएगा, और 4% उसका सामान्य आंकड़ा है। तो ये 7.44% पर पहुँच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो अपना भाषण दिया उसमें भी उन्होंने महंगाई को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने के कारण ये संकट बढ़ा है। आपूर्ति श्रृंखला मतलब कोरोना के दौरान जहां गतिविधियां बंद थी उसके बाद जब खोली गई तो एकदम तेजी से शुरू हुई और वो अभी धीरे धीरे अपने चाल पे पहुंच ही रही थी कि यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई छिड़ गई और वो लड़ाई अभी भी जारी है। यूरोप के कई देशों ने वहाँ प्रतिबंध लगा दिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो ये तमाम चीज़ें इनकी वजह से महंगाई बाहर के देशों में भी बढ़ गई है। तो भारत भी जो बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट करता है वो महंगी उसे मिल रही है। कच्चे तेल के दाम शुरू में तो काफ़ी ऊपर थे, उसके बाद थोड़े कुछ नीचे आए। जब दाम नीचे आए तो जो ओपेक देश हैं और जो दूसरे रशिया और दूसरे देश हैं जहाँ कच्चा तेल पैदा होता, तो उन्होंने कुछ उत्पादन में कटौती कर दी, फिर से दाम थोड़े ऊपर चले गए। ये तमाम चीज़ें हैं, मतलब भू राजनीतिक स्थिति है, कोरोना महामारी की जो उसके बाद का जो असर है, उन तमाम चीज़ों से महंगाई बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महंगाई को काबू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है लगातार तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और अगले 5 साल में उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि भारत दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। अभी भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 5वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि जब हमने सत्ता में हम आए थे 2014, उस समय भारत 10वें-11वें नंबर पर था और अब जबकि हमारी सरकार ने 10 साल पूरे करने जा रही है तो भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर जो है 5वें नंबर पर पहुंच गई है और अगले 5 साल में इसको हम और तेजी से आगे बढ़ाकर 3रे नंबर पर पहुंचाएंगे और 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा तब भारत एक जो है विकसित राष्ट्र होगा। तो प्रधानमंत्री ने ये 15 अगस्त में उन्होंने जो लाल किले से अपना 1.5 घंटे का भाषण दिया, अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल के 9 साल का कार्य, 10वां साल अभी चल रहा है, अगले साल मई में पूरा होगा, तो अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाई और आगे का भी विजन लोगों को दिया कि आगे हम क्या करेंगे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्मीद भी जताई कि अगले साल फिर मैं चुनाव के बाद, आम चुनाव होने हैं अप्रैल मई में, उसके बाद फिर मैं यहाँ लाल किले पर आऊँगा और आपकी उपलब्धियों और आपके सपनों को पूरा करने के लिए तमाम कदमों की हम जो है घोषणा करेंगे। फिलहाल उन्होंने जो है जो पारंपरिक हमारे कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, राजमिस्त्री हैं, बढ़ई हैं और दूसरे जो कारोबार करने वाले उनके लिए विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए की लागत से हम ये योजना शुरू करेंगे और इससे जो गाँव के जो छोटे कामकाज करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने देश में महिला की अगुवाई में जो है विकास का मॉडल उन्होंने जो है जनता के सामने रखा और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख लखपति दीदी बनाने का उन्होंने जो है कार्यक्रम की घोषणा की, सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए घोषणा की और ये
विश्वकर्मा योजना हमने आपको बताया है और तमाम तरह की उन्होंने घोषणाएं अपने इस भाषण में की है। उनका ये भाषण इसलिए आम 15 अगस्त के भाषणों से अलग था क्योंकि ये उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी भाषण था। अब अगले कार्यकाल के बाद जब जो नई सरकार आएगी तो तब वो अपना लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। तो हम बात कर रहे थे महंगाई की। जुलाई 2022 में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा था वो 173.4 अंक था, जो कि जुलाई 2023 में बढ़कर 186.3 अंक पर पहुंच गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि महंगाई का आंकड़ा कैसे निकलता है, जो उसका इंडेक्स होता है, इंडेक्स में जो भारांक दिए होते हैं, वजन दिया रहता है, अलग अलग ग्रुप का वजन है। जैसे खाद्य एवं पेय पदार्थ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें खाने पीने की तमाम चीजें, दूध से लेकर, अंडा से लेकर, अनाज से लेकर, दालों से लेकर, तेल से लेकर, और आपका सब्जियों से लेकर, फल से लेकर, तमाम चीज उसमें शामिल है। तो उसको ज्यादा भारांक दिया गया क्या, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हम रोजमर्रा के इस्तेमाल करते हैं, कपड़े चप्पल जूते का एक अलग ग्रुप है, और उसके बाद मकान में जो भी चीजें जरूरत होती है, मकान के क्या क्या खर्चे होते हैं, बिजली पानी वगैरह वगैरह, उसका एक अलग ग्रुप है, और उसके स्वास्थ्य खर्च, परिवहन, दूर संचार का एक जो है मिससेलेनियस जो विविध उत्पादों का समूह अलग है। तो कुल मिलाकर उसको 100 अंक दिया गया था 2011-12 में, और तब से ये बढ़ता हुआ 186.3 अंक पर पहुंच गया है, और पिछले साल के मुकाबले 173.4 और 186.3, तो ये जो वृद्धि है ये है 7.44% की। तो इसको महंगाई को लेकर बड़ी चिंता है, रिजर्व बैंक भी चिंतित है और सरकार भी अपने स्तर पर जो है कदम उठा रही है, चिंता व्यक्त कर रही है। तो ये महंगाई क्यों बढ़ी है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें योगदान है सब्जियों का। इस एक साल की अवधि में जुलाई 22 के मुकाबले जुलाई 23 में सब्जियों के दाम में 37.34% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि महंगाई जो जुलाई में ज्यादा बढ़ी है उसमें किस चीज का सबसे ज्यादा योगदान है। सब्जियों के दाम बहुत तेजी से बढ़े, आपको पता है टमाटर महंगा है, टमाटर 200 रुपए किलो तक बिक गया था, हालांकि इस समय अब 100 रुपए के आसपास बोला जा रहा है। आप शिमला मिर्च ले लीजिए, बंद गोभी ले लीजिए, फूल गोभी ले लीजिए, तोरी ले लीजिए, भिंडी ले लीजिए, मटर ले लीजिए, तमाम चीजों के दाम इस समय 80 से 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो इसके दायरे में चल रहे हैं, जो कि निश्चित ही पिछले साल के मुकाबले काफी ऊपर है। तो सरकार बाहर से टमाटर मंगा रही है, नेपाल से टमाटर इम्पोर्ट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी बिक्री की जा रही है, उसके बाद देश के दूसरे भागों में भी पहुंचाया जाएगा। सरकार जो है खुले बाजार में गेहूं बेच रही है, चावल बेच रही है, दालें बेच रही है, प्याज भी अभी बेचने की सरकार ने घोषणा की है। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। सब्जियों के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं, इसके बाद मसाले 21% बढ़े हैं, अनाज और उसके उत्पाद के दाम 13% बढ़े हैं, दलहन और उसके उत्पादों के दाम जो उससे तमाम उत्पाद बनते हैं 13.25% बढ़े हैं, और इन सब का जो पूरा ग्रुप जो है खाद्य एवं पेय पदार्थों का उसमें 10.5% की वृद्धि हुई है। पान तंबाकू का जो दूसरा ग्रुप है उसमें 3.8% वृद्धि हुई है। कपड़े चप्पल जूते का जो तीसरा ग्रुप है उसमें 5.64%, आवास संबंधी समूह का जो ग्रुप है 4.47%, ईंधन और प्रकाश समूह का जो है उसमें 3.5%, और वहीं घर में ली जाने वाली तमाम सेवाएं हैं, स्वास्थ्य खर्च है, परिवहन एवं संचार है, मनोरंजन है, शिक्षा खर्च है, व्यक्तिगत देखभाल पर जो खर्च होता है, जो विविध समूह का जो है उसमें 5.05% वृद्धि हुई है। तो यानी खाने पीने की चीजों का जो ग्रुप है पूरा उसमें सबसे ज्यादा 10.5% की वृद्धि हुई है, और उस ग्रुप में खाने पीने के ग्रुप में सब्जियों के दाम है, मसाले के दाम है, अनाज के दाम है और दालों के दाम, ये सबसे ज्यादा बढ़े हैं। अब सब्जियों के दाम क्यों बढ़े हैं, आपको पता है इस समय बरसात का मौसम है, कई जगह बाढ़ आई हुई है, तेज बारिश हो रही है, सड़कें टूट गई हैं, रेल पटरियों को नुकसान हुआ है, आवागमन प्रभावित हुआ है, सब्जी की जो फसल होती है उनके तेज बारिश से जो उनको नुकसान हो गया है। तो ये तमाम चीजें जो है आवागमन यानी सप्लाई चेन प्रभावित होने से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, अनाज के दाम बढ़े हैं। बरसात का मौसम है, आपको पता है आवागमन तो प्रभावित हो ही जाता है। और राज्यों के स्तर पर अगर हम बात करें कि किस राज्य में कितनी महंगाई बढ़ी है, क्योंकि राज्य का मिला के फिर ऑल इंडिया का बनता है, तो सबसे ऊंचा आंकड़ा राजस्थान में जुलाई 22 से और जुलाई 23 का जो महंगाई का कंपेयर करेंगे अगर, तो राजस्थान में 9.66% बढ़ा है, झारखंड में 9.16%, तमिलनाडु में 8.95%, उड़ीसा में 8.67%,
हरियाणा में 8.38%, आंध्र प्रदेश में 8.11%, तेलंगाना में 8.55%, उत्तराखंड में 8.58% और उत्तर प्रदेश में 8.13%, बिहार में 7.25%, गुजरात में करीब 7.5% और दिल्ली में सबसे कम महंगाई जो बढ़ी है इस दौरान वो है 3.72%। दिल्ली देश की राजधानी है, तमाम जगह से कोई भी आवागमन की सबसे बेहतर सुविधाएं दिल्ली के लिए हैं। कहीं से भी माल आना हो, एयरपोर्ट से आना हो, पोर्ट से आना हो, बड़े महानगरों से आना हो, दिल्ली आने के लिए तमाम जो है बड़ी बड़ी सुविधाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, रेलवे लाइन है, सीधी गाड़ियां दिल्ली आती हैं। तो दिल्ली में महंगाई बढ़ने का जो सिलसिला है उसकी जो स्तर है वो सबसे कम रहा है। थोक सूचकांक की बात करें तो जून में 4.12% घटा था और जुलाई में ये गिरावट जो है कम होकर 1.36% रह गई है। यानी थोक सूचकांक में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था गिरावट है, कमी आ रही है, वहां चीजें सस्ती हो रही हैं, लेकिन जून में ये 4.12% सस्ती थी तो जुलाई में 1.36% ही रह गई है और हो सकता है अगस्त में ये पॉजिटिव हो जाए यानी बढ़ जाए। तो वहां भी एक तरह से दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोक बाजार में और जो खुदरा बाजार है उसमें काफी अंतर है। वहां अभी मामला गिरावट में और यहाँ 7.44% की ऊंचाई पर पहुंच गया है। हालांकि जो थोक मूल्य सूचकांक है उसकी जो गणना होती है उसमें कई चीजें शामिल नहीं है, जबकि खुदरा मूल्य सूचकांक में जो मनोरंजन है, दूर संचार है, आवागमन परिवहन का मामला, वो चीजें भी उसमें शामिल है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित जो वृद्धि का आंकड़ा है, जून के आंकड़े हैं सबसे ताजा आंकड़े, तो जून में 3.7% वृद्धि रही है। ये वृद्धि भी कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है, लेकिन जून के महीने में इतना बड़ा है और अप्रैल और जून इस साल के जो इस वित्त वर्ष के 3 महीने हैं उनका अगर हम औसत निकाले औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने का तो वो 4.5% रहा है, जो कि एक साल पहले इन 3 महीनों में 12.6% रहा था। तो उससे पिछले साल कोरोना था, कोरोना में काफी डाउन था, तो उसके बाद जब गतिविधियां शुरू हुई तो उनमें उछाल आया। अब ये 12.6% के ऊपर 4.5% की वृद्धि है, तो यानी गतिविधियां अपनी जो चाल है वो पकड़ रही है। रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, रिजर्व बैंक ने अभी अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा की थी। हालांकि उसने जो रेपो दर है, जो मूल दर होती है, जो आधार दर है, उसमें कोई वृद्धि नहीं की है, लेकिन बैंकों में जो तरलता, जो पैसा काफी आया हुआ बैंकों में, उसको नियंत्रण में करने के लिए जो CRR है, तो CRR में जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ का 10% बैंकों को कहा है कि आप जो नॉर्मल रखते हैं वो तो रखना ही है, लेकिन जो वृद्धि वाला पोर्शन है उसका 10% बैंक रिजर्व बैंक के पास रखना है, ताकि उनके पास जो तरलता है उसमें कमी रहे। रिजर्व बैंक ने कहा कि 2000 रुपए के जो नोट बैंकों में आ रहे हैं, रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वापस ले रहा है, सितंबर तक का समय दिया है, तो 2000 रुपए के नोट जो बैंकों में वापस आए इससे उनके पास तरलता काफी बढ़ गई है और बैंकों से कर्ज का उठाव भी तेज हुआ है। तो रिजर्व बैंक को सभी चीजें देखनी है, जहां जरूरत है वहां कर्ज भी देना है, कर्ज ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए ताकि लागत ना बढ़े, अगर कर्ज महंगा होगा तो निवेश रुक जाएगा और जो GDP में वृद्धि होती है उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए वो बिल्कुल ऐसा रास्ता अपना रहा ताकि वृद्धि भी अपने हिसाब से चलती रहे और महंगाई पर भी थोड़ा काबू रहे। कम करने के लिए उसने CRR में जो अस्थायी तौर पर वृद्धि की थी उसको अब आगे और विस्तार करने का माना जा रहा है। अब हमको आपको बता दें कि अमेरिका के केंद्रीय फेडरल रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने जो अपनी पिछली बैठक हुई थी मौद्रिक नीति समीक्षा की, उन्होंने भी वहां महंगाई को लेकर चिंता व्यक्त की और वो ये मान रहे हैं कि अभी हमें ब्याज दरों में और वृद्धि करनी पड़ेगी महंगाई को काबू करने के लिए। यानी ब्याज दर महंगी होती है तो कर्ज महंगा होता है, कर्ज महंगा होता है तो लोग कर्ज कम लेते हैं, कारोबार इन्वेस्टमेंट जो है गतिविधियां थोड़ी धीमी हो जाती हैं, वो कहते हैं भैया अभी महंगा है बाद में करेंगे, तो इससे जो है एक तरह से मांग को नियंत्रित किया जाता है और इससे महंगाई पर काबू पाया जाता है। तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व के जो अधिकारी हैं, नीति निर्माता है, वो 5.25% से लेकर 5.5% तक की ब्याज दर के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये अमेरिका के पिछले 22 साल के इतिहास में सबसे ऊंची दर है, 5.25% से 5.5%। हमारी रेपो दर 6.5% है और वह 5.25% से 5.5% पिछले 22 साल की सबसे ऊंची दर है।
जो उनकी एक तरह से रेपो दर आप मान सकते हो, तो वहां और बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं कि तभी महंगाई काबू में आएगी। ब्रिटेन में जुलाई में जो खुदरा महंगाई है वो उसका आंकड़ा 6.8% रहा है, जून में ये 7.9% था, और इससे पहले अक्टूबर में वहां पे महंगाई का आंकड़ा 11.1% पर पहुंच गया था, जो कि वहां के हिसाब से 41 साल में सबसे ज्यादा था। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के जो देश है वहां महंगाई 1.5 से 2% भी होती है तो बहुत ज्यादा मानी जाती है, और इस समय वहां महंगाई जो है 7% 8% के दायरे में चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां महंगाई किस स्तर पर जो है पहुंची है। बहरहाल पूरी दुनिया में महंगाई का आंकड़ा ऊंचा है और भारत भी इससे छूता नहीं है। सरकार और रिजर्व बैंक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और ये माना जा रहा है कि मानसून समाप्त होने के बाद जब मौसम सामान्य हो जाएगा तो महंगाई का आंकड़ा कुछ काबू में आ सकता है। इस अंक में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।